एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं।
कमांड के फ्लैग ऑफिसर्स, ऑफिसर साहिबान, सरदार साहिबान, अहदेदार बहादुर जवान, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपको संबोधित करते हुए। इसके कई कारण हैं। मेरा ख्याल है प्रथम कारण यह है हमारे 21 साल के इतिहास के बाद आज हम इतिहास के उन पन्नों में खड़े हैं जिसमें मेनलैंड में हमारी सशस्त्र सेनाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सबका ध्यान अंडमान निकोबार कमांड की तरफ है, क्योंकि सरकार की दूरदर्शिता के बाद हम जो 22 साल पहले हुक्म अनुसार एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड खड़े हुए थे, उसके 22 साल बाद 8 अक्टूबर 2001 को हमारा गठन हुआ था। इसके आदेश थोड़े पहले आए थे और इसके 22 साल बाद बाकी सेनाओं में भी यही प्रयत्न हो रहा है। आज जब अपने कमांड को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है हम तीन बहुत बड़े फैसलों के वजह से सक्षम हुए हैं। कारगिल युद्ध के बाद
एक कमिटी बैठी थी जिन्होंने युद्ध के बारे में स्टडी किया था और उन्होंने अपना रिपोर्ट संसद को पेश किया था 1999 में। उसके एक साल बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करी थी और कैबिनेट कमेटी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे और कैबिनेट कमेटी के हुक्म अनुसार 1 अक्टूबर को आदेश निकले थे और वाइस एडमिरल अरुण प्रकाश हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे। मैं सिर्फ इस लाइन में 16वां हूं और आज हम सबों के पूर्वजों का, हम सब की तरफ से एहसान प्रकट करता हूं क्योंकि उनकी मेहनत के फल स्वरूप आज हम बहुत आगे बढ़ गए। मैंने आपको 3 फैसलों के बारे में बताया। पहला 2001 का फैसला बहुत दूरदर्शी फैसला था। चाइना ने भी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड सिर्फ 5 से 6 साल पहले बनाया था। हमारे देश ने 24 साल पहले सोचा था, 22 साल पहले आदेश दिया था और 22 साल पहले अंडमान निकोबार कमांड खड़ा हुआ था। ये सरकार के 3 दूरदर्शी कदम का पहला उदाहरण है। दूसरा, 2017 में हमें सबको लगता है ये आर्मी की जमीन है, ये नेवी की जमीन है, ये एयरफोर्स की है, कोस्ट गार्ड की है। नहीं, ये भारतवर्ष की जमीन है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखरेख में जिसकी ग्राउंड पे हिफाजत हम लोग कर रहे हैं, मगर ये विभाजित जमीन हमारी सोच को विभाजित करती है। और सरकार का 2017 का वो फैसला बहुत अहम था और मैंने बताया इन 3 फैसलों से हम बहुत सक्षम हुए हैं। इस फैसले के फलस्वरूप आदेश दिए गए रक्षा मंत्रालय से कि हमारी जमीन, सरकार की जमीन जिसकी देखरेख आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड कर रहे हैं, ये इनकी नहीं है, ये एकत्रित की जाती है और ये सारी जमीन सिनकैन की जमीन या कमांडर इन चीफ की जमीन है। मेरी जमीन नहीं है, मगर देखरेख का जिम्मा मुझे दिया गया था या मेरे पूर्वजों को दिया गया था 2017 में। मेरे नजरिए में एकत्रितता का ये बहुत अहम फैसला था, इससे हम बहुत सक्षम हैं। और तीसरा बहुत ही दूरदर्शी फैसला जिसके आदेश वाजपेयी जी की सरकार ने तब दिए थे मगर 18 साल पे इस पे अमल नहीं हुआ था, सरकार का वो फैसला जिसके तहत 1 जनवरी 2020 में एक CDS नियुक्त हुए। 2001 में आदेश दिए गए थे सरकार से, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से, कि अंडमान निकोबार कमांड जो कि एक इंटीग्रेटेड कमांड है, इसके कमांडर इन चीफ CDS के नीचे डायरेक्ट काम करेंगे, CDS के ऑपरेशनल कमांड के नीचे काम करेंगे। और जब तक CDS नियुक्त नहीं होते तब तक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे काम करेंगे। हम सबको पता है चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ की कमेटी है जिसमें हर कुछ महीनों में चेयरमैन की तब्दीली होती रहती है। 18 साल तक CDS नियुक्त नहीं हुए, मगर जब CDS साहब नियुक्त हुए, आज मुझे रावत साहब का याद जरूर आ रही है, भगवान उनको और उनके साथ उस सफर में जो आज हमारे साथ नहीं है, उन सब की आत्मा को शांति दे। मगर जब 1 जनवरी 2020 में CDS साहब नियुक्त हुए, उस एक फैसले से मैं
मैं अपने भरोसे से और अपने खुद के तजुर्बे से आपको बताता हूं, हम सबसे ज्यादा सक्षम हो, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। इस फैसले की वजह से मैं निसंकोच कह सकता हूं कि पिछले 3 साल में जो हमने एकत्रता का ग्राउंड पे प्रदर्शन किया है वो शायद 18 साल में हम नहीं कर पाए। इसलिए नहीं क्योंकि चाह नहीं थी, मगर इसलिए क्योंकि एक म्यान में कई तलवार थी। तो मैंने आपको बताया, मुझे गर्व का एहसास कई कारणों से हो रहा है। एक कारण यह है कि हम इतिहास के पन्नों में कि एक अहम मोड़ के ऊपर आज खड़े हैं। जैसे मुझे है, मुझे भरोसा है आप सबको, फक्र है, मेरा आखिरी टेन्योर है, आप सब इस टेन्योर को पूरा करके और टेन्योर के लिए आगे जाएंगे। ये आपकी आर्मी, आपकी नेवी, आपकी एयरफोर्स और आपका कोस्ट गार्ड मेरे से बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं 4 दिन बाद सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। दूसरा कारण गर्व का यह भी मेरे को है कि अपनी परिवार का मैं लगातार 5वीं पीढ़ी हूं फौज में। 13 सितंबर 1858 से 164 साल से ज्यादा, पिछले साल सितंबर में 164 साल हो गए थे, और आज या कुछ दिन बाद लगभग 39.5 साल पूरे करके मैं बड़ी संतुष्टि से घर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अटूट विश्वास है देश की सेवा बहुत लोग अलग तरीकों से करते हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा कम ज्यादा नहीं होता है, मगर जो ये तरीका हम सब ने अपनाया है, वर्दी पहनने का तरीका, ये अद्भुत है, क्योंकि देश की सेवा में हमें देश के बहुत हिस्से देखने को मिलता है। हम में से कुछ जो किस्मत वाले हैं विदेश भी इस सर्विस को करते हुए जाने का मौका मिलता है। मैं इंग्लिश में अपने साथियों को कई बार बोलता हूं, देर इज नो पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ द रेनबो, द पॉट ऑफ गोल्ड वो सोने का कलश इज इन एवरी डे ऑफ द जर्नी टू द एंड ऑफ द रेनबो। वो जो आज का दिन बीत गया कल दोबारा नहीं आएगा, और ये रोज के बीते हुए दिन से जीवन निकल जाता है, और ये जो जीवन निकल जाता है जब वनप्रस्थ आश्रम में आदमी जाता है, मैं तो सठिया चुका हूं, 3 तारीख को मैं उसी जगह जा रहा हूं, मगर जब आदमी अपने पीछे जीवन में देखता है तो ये जो रोज के दिन गुजर गए हैं इस वर्दी पहनी हुई नौकरी में, मुझे लगता है हमें जो संतुष्टि होती है वो अपूर्व है। ये दूसरा मुझे गर्व का एहसास इस कारण हो रहा है, और तीसरा क्योंकि आप सबका आज परेड पे टर्नआउट, आपकी परेड देख के, मगर ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, मैं तो लगभग 2 साल से देख रहा हूं, मैं इस खुशी से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, इस भरोसे से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, क्योंकि जो मैं अपने सामने देखता हूं आज के सैनिक वो मेरे समय से बहुत ज्यादा माइंडेड है। हमारी देश की सुरक्षा की बागडोर मुझे लगता है बहुत सक्षम हाथों में है। आज मुझे प्रधानमंत्री साहब के केवड़िया में कहे हुए 5 मार्च को 2021 को कहे हुए शब्द याद आ रहे हैं। उन्होंने बहुत
अच्छी तरह से बोला था, भारत शांति चाहता है, मगर शांति की चाह और शक्ति की राह एक दूसरे से विपरीत नहीं है। शांति की चाह और शक्ति की राह एक दूसरे से विपरीत नहीं है। अगर हम शांति चाहते हैं तो शांति तब मिलेगी जब हमारी सेनाएं तैयार होंगी। आप सबको आपकी तैयारी की मैं बधाई देता हूं। मुझे खुशी होती है, मेरा नंबर आप सबके पास है, हर एक कंपोनेंट के पार्ट वन ऑर्डर में मेरा मोबाइल नंबर है। आपकी खुशी की खबर सुन के मेरा खून और बढ़ेगा। हमारी वाइफ प्रेसिडेंट नवा की तरफ से आपको, आपके परिवारों को हमारी शुभकामनाएं। आने वाले सालों में आप और तरक्की करें, आपके परिवार और फूले फले। हम दोनों की तरफ से मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। कोई भी यूनिट, चाहे 200 साल पुरानी हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, चाहे 2 साल पुरानी हो, उतनी ही सक्षम होती है जितनी ताकत उस दिन की टीम के पास होती है। हमेशा एक टीम है जिसकी मिलीजुली कार्रवाई से दिए हुए टास्क को अंजाम मिलता है। भगवान आपकी टीम को हमेशा सुरक्षित रखे, ताकतवर रखे और कामयाब देखे। मैं जब चारों तरफ देखता हूं आपके प्रयत्न में मुझे खुशी होती है, खुशी दिखती है। और आज मैं चाहता हूं, मैं जब धनवंतरी गया था तो मैंने बहुत कामयाबियां देखी पिछले 2 साल में अपने कार्यकाल में। मैं तो सिर्फ देखने वाला था, कार्यकाल में काम उनका था। इसी तरह हर एक कंपोनेंट में मुझे बहुत अच्छा दिखता है। मुझे वो शब्द याद आते हैं, मैं तो चला था मंजिल तय करके, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। इस काफिले में मैं सबको तो नहीं पहचान दे सकता, तो मैंने उचित समझा हर एक कंपोनेंट में जो मुझे अच्छा दिखा है। अगर जाते समय मैं आपको उस चीज की बधाई नहीं दूंगा तो मैं अपने फर्ज से चूक जाऊंगा। तो अब मैं चीफ ऑफ स्टाफ साहब से निवेदन करता हूं, जो हमने कुछ एक्सीलेंस के अवार्ड्स बनाए हैं उसके आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद।
नमस्कार नुस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह साहब, और हम आपको बता दें इस 30 अप्रैल को ही इनका रिटायरमेंट होने जा रहा है। और हमें भी काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि दो साल अंडमान निकोबार के
के सिंकेंड के पद पे यहाँ यहाँ पर ये थे, लेकिन लोकल पीपल्स के साथ हमेशा ही घुल मिल कर रहते थे। और इससे पहले काफ़ी सिंकेंड आए और गए, लेकिन ये जो है अपना पर्सनल नंबर सबको दे के रखे थे, ताकि इवन कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो इनका यही कहना है कि इशू लेकर लोग डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दें, हमें भी बहुत ख़राब लग रहा है कि ऐसे सर जब आते हैं, आने के बाद जब उनका यहाँ से जब तबादला हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है तो नेक्स्ट कौन आएगा। और हमारे अंडमान निकोबार एक छोटा सा यूटी है, तो यहाँ पर सर जब से आए तब से जो है हमारा अंडमान निकोबार का नाम जो है खूब रोशन किया, इवन मिनिस्ट्री लेवल में भी। तो कुछ शब्द हम सर से भी सुन लेते हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आना जाना तो उसकी नौकरी का हिस्सा है। मेरी खुशकिस्मती है कि नौकरी करते हुए अलग अलग जगह नौकरी करने को मिलता है। भारत के बहुत सुंदर हिस्से हैं, अलग हिस्सों को नौकरी करके दोस्त बनाने के मौके मिलते हैं। और जैसे मैं अभी बता रहा था, हमारे आइलैंड वासी बहुत खुशकिस्मत हैं, लोग पैसे दे के इधर आते हैं कुछ दिन के लिए। आप लोग तो इधर बसे हुए हैं, और हमारी हमेशा शुभकामनाएँ रहेंगी कि आप और आपके परिवार और फूले फलें और अच्छा करें। और आपकी खुशखबरी पढ़ता रहूँगा तो मुझे और खुशी होगी। मेरे लिए खुशी की बात है कि अपने सर्विस के आखिरी 2 साल आपके बीच बिता पाया हूँ। थैंक यू। एक चीज़ जो है हमें काफ़ी अच्छा लगती थी कि जैसा यहाँ के जो लोकल न्यूज़पेपर है और लोकल जितने भी मीडियास है हमारी तरह, तो आप जो है इन सबको भी काफ़ी तवज्जो देते थे और सारे वीडियोस देखते थे, और हमें काफ़ी खुशी भी मिलती थी क्योंकि जैसे बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ के लोगों को जो है इतना मतलब उनके साथ इतना घुल मिलते नहीं, लेकिन सर आप उनसे काफ़ी अलग थे सर। अब मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात करूंगा, मैं अलग कैसे हूँ, आपके बीच में से हूँ सर। वो जो चीज़ हमें सर पता है, लोगों को पता है सर। और दूसरा, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि आप मेरे से क्या सवाल पूछेंगे। खुश होके दिल से सवाल पूछिए, मैंने कभी संकोच नहीं किया। अभी भी मैं लेट हो रहा हूँ, मगर आपको मैंने उधर वादा किया था कि मैं आपको समय दूंगा, आप जो पूछना चाहें मैं खुशी से बताऊंगा। और मुझे तो फ़क्र है कि सरकार इधर इतना कुछ कर रही है। ये हमारे बहुत स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं, इनका जितना डेवलपमेंट होगा देश के हित में है। तो मैं तो आशा करता हूँ जल्दी और डेवलपमेंट का नतीजा हमें देखने को भी मिलेगा सर। और एक सवाल सर, जैसा हमारा अभी ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट जो बन रहे है उसके ऊपर सर लोग काफ़ी लोग जो है कुछ गलत टिप्पणी दे रहे हैं, काफ़ी नेशनल मीडियाज में भी जो है इसके बारे में गलत प्रिंट किया जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ संदेश, क्या इससे अंडमान निकोबार के लोगों की भलाई होगी या नहीं होगी? मैं आपसे सवाल पूछूँ, मैं श्रीलंका में गया था एक इंटरनेशनल सेमिनार में, उस वक्त क्योटो प्रोटोकॉल पे सबने हस्ताक्षर किए थे। मैं सवाल ये पूछूंगा कि जिन देशों ने तरक्की करी है वो आज क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, जिसका पर कैपिटा पोल्यूशन हमारे देश से कई 100 गुना ज़्यादा है। पर कैपिटा पोल्यूशन क्योटो प्रोटोकॉल ने रिकग्नाइज किया था। हमारा शायद दुनिया में उन देशों में है, अफ्रीकन देश और हमारे देश, दैट हमारा कार्बन फुटप्रिंट पर कैपिटा सबसे कम है, और जिनका सबसे ज़्यादा है वो हमारे को लेक्चर दे रहे हैं। वो तो तरक्की के पथ पे आगे जा चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा सिंगापुर में आज कितने पेड़ देखने को मिलेंगे, सिंगापुर बहुत आगे है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, सब कुछ है। दिल्ली राजधानी है हमारी, दिल्ली की 100 साल की पहले फोटो देखें, उनके पेड़ कहाँ गए, न्यूयॉर्क के पेड़ कहाँ गए, मुंबई के पेड़ कहाँ गए, और सिंगापुर के पेड़ कहाँ गए। तो ये बैलेंस होता है तरक्की का भी, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के पेट में खाना चाहते हैं। और देखिए, किसी पर तो भरोसा करें, हम प्रजातंत्र देश हैं, अपने मेंबर्स इलेक्ट करते हैं अलग अलग राज्यों से, ये मेंबर्स लोकसभा में पहुंचते हैं, सरकार बनाते हैं। तो हमने अपने मेंबर्स को हक दिया है हमारे पक्ष में एक सरकार बनाने का, वो सरकार अपने फैसले लेती है। हम चाइना थोड़ी हैं जो कि एक आदमी कंट्रोल कर रहा है। और अगर हमारे सरकार ने और हमारे सिस्टम्स हैं उन्होंने हमारे भले के लिए, और मैं तो बिल्कुल इसमें सक्षम मतलब मानता हूँ कि हमारे को डिफेंस के नज़रिए से बहुत जल्दी ये डेवलपमेंट चाहिए, जितना जल्दी होगा हम उतने सशस्त्र होंगे, मगर हमारे देश के दूसरे देशों ने जो शायद हमारा उतना भला नहीं चाहते जितना हम अपना लिए चाहते हैं, उनके किसी 2 कर्नल ने किताब भी लिखी है कि दूसरे देश के डेवलपमेंट को रोकने के लिए उन्हीं का सिस्टम उनके खिलाफ इस्तेमाल करो डिले करने के लिए। तो आप सब अक्लमंद हैं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और किस पे भरोसा रखेंगे? आज मैं नेता बन गया, मैं कुछ कह रहा हूँ, भैया मैं कौन हूँ?
जब कोई बीमार होगा तो डॉक्टर पे जाएगा ना, इंजीनियर पे तो नहीं जाएगा ना। जब ये रनवे रिसर्फेसिंग करना है तो इंजीनियर पे जाएंगे, डॉक्टर पे नहीं जाएंगे। तो किसी पे तो भरोसा रखो यार, सरकार का काम है, अलग अलग विभाग हैं, इस पे डील कर रहे हैं। किसी को शक लगता है तो जैसे वो कर्नल साहब ने लिखा, आप कोर्ट में जाओ डिले करने के लिए, तो कोर्ट का भी काम है। मैं तो उम्मीद रखता हूँ, हमारे कोर्ट बहुत लर्निड लोग हैं, उनका काम ही वकालत है और जजमेंट देना है। मैं डिफेंस के नज़रिए से उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी वो जजमेंट दें ताकि जो भी है डिले ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। और अपने दर्शकों को हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम ये आशा करते हैं कि आने वाले जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है अजय सर अगर बने तो काफ़ी लोगों को जो है ना अपनी तरफ से कह रहे हैं अगर सर आए तो काफ़ी जो है हमारे आइलैंड्स को जो है डेवलपमेंट होगी। मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। आप देखिए हमारे माननीय एलजी साहब के देखरेख में 5 साल की कार्यकाल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के चेयरमैन हैं हमारे गृह मंत्री साहब, जो उनके कार्यकाल में हुआ है। ये तो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी शायद 2017 में ही आयोजित हुई। आप आएंगे तो और ज़्यादा काम होगा सर। ये खत्म हो रहा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बात करने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।